हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम टू बैक माय चैनल बबलीज ब्यूटीफुल गार्डन। सो फ्रेंड्स, आज मेरे गार्डन में इतने अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, तो आज सुबह से ही मैंने सोचा एक बहुत अच्छा सा वीडियो आपके साथ बनाऊंगी और शेयर करूं, क्योंकि फ्लावरिंग तो पर डे होती है, किसी न किसी प्लांट पर डेली खिलते हैं। वैसे विंटर वाली फ्लावरिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जिन्होंने साल भर मुझे अच्छी फ्लावरिंग दी है और जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मेरे यहाँ कर रहे हैं, तो मुझे लगा फिर मुझे आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। और आज की जो फ्लावरिंग है वो बहुत स्पेशल है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं ना जो एक ही दिन खिलते हैं, तो मैंने सोचा कल वो बंद भी हो जाएंगे और मेरा वीडियो भी रह जाएगा, तो मैंने सोचा पहले आपके साथ ये शेयर करते हैं कि आज कौन सी स्पेशल फ्लावरिंग जो है वो मेरे यहाँ हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना गुड़हल जो मतलब है वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि आज मेरे यहाँ कम से कम 5 या 6 तरह के हिबिस्कस हैं और सभी पे तो फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन करीब आज 4 पता नहीं 5 तरह के मेरे हिबिस्कस पर फ्लावरिंग हुई है, और कुछ पर तो डिफरेंट टाइप की है। तो मैंने सोचा आज अलग अलग तरह से हिबिस्कस की जो फ्लावरिंग हुई है मैं दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये वाला जो गुड़हल है जिसे मेरे हस्बैंड ने कटिंग से लगाया था, ये देखिए कितना ये बड़ा हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा, इसको हमने एक बकेट में रखा है, अभी इस पर हमने पेंट वेंट भी नहीं किया है और इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ये देखिए कितना एक ट्री की तरह लग रहा है, इतनी फ्लावरिंग इस पर होती है कि अभी भी इसके बड्स आप देख रहे होंगे हर एक ब्रांच पे, दूर से भी आप देख रहे होंगे कि इसमें दिख रहा है हर एक ब्रांच पे इसकी जो है बर्ड है ना, और लगभग 5 या 6 फ्लावर जो हैं पर डे इसमें ब्लूम होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट, क्योंकि ये पूरा ट्री की शेप ले चुका है और मैं इसकी प्रूनिंग भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर, जैसे फूल आते हैं ना तो पूरा एक पेड़ की तरह ये दिखता है ना, लाल लाल सा, तो बहुत सुंदर लगता है। एक छोटी सी कटिंग से मेरे हस्बैंड ने इसको लगाया था और कटिंग से अच्छी तरह से हो जाते हैं हिबिस्कस, और थोड़ी सी केयर तो करनी पड़ती है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये वाला गुड़हल है, उसके बाद देखिए आज मेरे ये देखिए कितने सुंदर से कलर हैं इन हिबिस्कस के। मैंने इससे पहले जो हिबिस्कस का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें एक ऑरेंज कलर वाला मैंने हिबिस्कस दिखाया था आपको, ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर है। इसका कलर फ्रेंड रेड नहीं है, वो आपको शायद कैमरे में लग रहा होगा, थोड़ा सा गेरू कलर एक होता है वो कलर है, तो और साइज़ भी बहुत अच्छा है। तो इससे पहले भी इसमें एक दो बार फ्लावरिंग हुई थी, बट एक एक फूल खिला था, और आज का जो डे है वो इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज मेरे यहाँ करीब 4-5 तरह के डिफरेंट हिबिस्कस ब्लूम हुए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए दूसरे तरह का ये वाला हिबिस्कस कितने सुंदर से ये लग रहे हैं, और ये देखिए इसमें बर्ड्स भी आए हुए हैं, और बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, मुझे उसका अभी थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है, मैं उसको ज़रूर आप शेयर करूँगी, बताऊँगी आपको, क्योंकि अभी मेरे माइंड में थोड़ा सा उसका बिल्कुल भी नाम नहीं आ रहा है। करीब 1 हफ्ते पहले इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, ऑनलाइन मंगाया था, उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है, मुझे लगता है इफ़ेक्ट हुआ है। ये देखिए बर्ड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, देखिए कितने कितने सारे बर्ड्स ये दिख रहे हैं ना, ये देखिए इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, सभी में लगभग बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, और जो फूल है ना वो भी जल्दी से ब्लूम हो गए हैं। तो ये देखिए दूसरी तरह का हिबिस्कस, और ये देखिए मेरा तीसरी तरह का हिबिस्कस, ये तो वहाँ पर भी ब्लूम होता था, मैंने आपको इसका पहले भी वीडियो कई बार बना के दिखाया है, और ये मेरे हस्बैंड ने कटिंग से लगाया था, तो इसकी एक पूरी ब्रांच टूट गई थी बहुत बड़ी, वहाँ पर जो मॉन्कीज आते हैं वो ब्लैक वाले जो होते हैं जिनका मुँह, उन्होंने पूरा खा लिया था, तोड़ के फेंक गए थे। तो उसके बाद इस पे अब हुई, करीब 2-3 महीने हो गए हैं शायद, उसके बाद नहीं, सारी 2 महीने ही हुए हैं शायद, दिवाली से पहले की बात है। उसके बाद इसमें देखिए अब ब्लूमिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, ये देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं ना, ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये देखिए इधर भी मेरे हिबिस्कस ने इस बार इतनी अच्छी फ्लावरिंग दी है ना सारे हिबिस्कस ने,
तो मतलब इफ़ेक्ट तो देखो पड़ता ही है। बनाना पिल जो हम कंटिन्यू दे रहे हैं उससे मेरे गार्डन में ना फूलों की बहार हमेशा रहती है फ्रेंड। तो मैंने आपको भी बताया कि आप ना बनाना फर्टिलाइज़र वाला जो है उसको यूज़ ज़रूर करें, चाहे आप उसको कटिंग करके डालें, चाहे उसका पानी में उसको घोल के जैसे भी डालें, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव है पौधों के लिए। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये तीसरी तरह का हिबिस्कस, ये देखिए ये मेरा चौथे वाला हिबिस्कस है, चार टाइप के अभी हो चुके हैं। ये देखिए ये छोटा वाला होता है ना, मिनी हिबिस्कस जिसे बोलते हैं, छोटा वाला फ्लावर रहता है। ये देखिए इस तरह से कुछ मैं आपको दिखाती हूँ, चार तरह के पूरे दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये देखिए चार तरह के आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। अब ये देखो, ये सबसे पहले ये वैस सिंगल पेटल वाला है, फिर ये दो जो दूसरे हाइब्रिड का, ये मेरा डबल पेटल वाला, और ये छोटा मिनी वाला जो हिबिस्कस है, और ये आ गया। देखिए इसकी खास बात ये है इस वाले गुड़हल की फ्रेंड, कि ये मेरे हस्बैंड ने ग्राफ्ट किया था करीब 1.5 साल पहले। मैं इसकी बहुत बार, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ उतनी बार ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तब से इस वाले मेरे हिबिस्कस पे ना कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है। इतनी फ्लावरिंग इस पे होती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सच में ही इसमें कोई जादू हो गया है। और सबसे अच्छी बात पता है कब होती है, जब इसमें दोनों फ्लावर एक साथ खिलते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं होता है, कभी रेड खिलता है तो कभी ये पीच वाला कलर खिलता है, लेकिन जब भी मतलब, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक रेड खिला या एक पीच खिला, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ना दोनों ही फ्लावर बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे खिलते हैं। तो इसके चार तरह के रेड खिले थे जो मैं एक तोड़ चुकी हूँ पूजा के लिए, और ये बाकी देखिए पीच कलर वाले कितने सारे फ्लावर हैं ना। ये देखिए 1, 2, 3, थोड़ा धूप की वजह से देखिए उधर भी है 4, और एक दीवार के सारे भी है 5, ये 6, मतलब 7-8 तो मुझे लगता है पीच कलर वाले हैं। और ये देखिए ये तीन तरह के आपको रेड वाले दिख रहे होंगे, ये देखिए है ना कितना अच्छा। आज का ये जो दिन है मतलब मुझे इतना अच्छा लगा है ना कि बहुत मतलब आज मेरी गुड़हल में तो बाहर आई हुई है। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने ग्राफ्ट किया था ना, मैं हर बार इसको दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है ना। ग्राफ्टिंग जब सक्सेस होती है ना फ्रेंड, तो आपको भी बहुत खुशी होगी। मेरे यहाँ दो दो ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है। मेरे हस्बैंड बॉटनी के प्रोफेसर हैं, तो पहले हमारी भी नहीं, कई बार उन्होंने मतलब इसका ट्राई किया था लेकिन नहीं हुई थी, लेकिन जब ये हुई ना तब उसके बाद इतना अच्छा लगा ना कि मतलब एक ही प्लांट पे जब 2-3 तरह के फूल आते हैं ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अब इस पे जब 2 तरह के फूल आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज है ना अच्छा दिन, कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा गार्डन आज गुड़हल से भरा हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा सा, और भी दिखाती हूँ। ये देखिए इधर भी खिले हुए हैं फूल, विंटर के नहीं हैं जबकि ये सारे ना, ये सारे वही हैं जो ऑलवेज़ खिलते हैं। और ये देखिए इधर ये एक्जोरा, ये बहुत टाइम से खिला हुआ है, कम से कम इसे 1.5-2 महीने हो गए हैं, तब से ऐसे ही खिला हुआ है। ये एक्जोरा का मैं बहुत बार शॉर्ट्स बना चुकी हूँ। और ये देखिए एक ये खास देख रहे हैं आप, ये मेरा एडिनम, ये भी ग्राफ्ट किया हुआ है। 2 तरह के देखो फ्लावर, ये पिंक, और जबकि देखो ये सिंगल पेटल है और ये है डबल पेटल। तो हैरानी की बात है ना, ये देखो एक ही प्लांट है। और ये देखो आप ठीक से देखो, ये दिख रहा है ना कितना सुंदर है। तो आज तो बस वैसे मैं इस वाले एडिनियम का ना वेट कर रही थी कि जब बर्ड्स आए थे ना, मैंने एक इसका शॉर्ट्स डाला था, तो मैंने उसमें इंटीमेट किया था कि मेरे जब ये खेलेंगे तो मैं इसका एक वीडियो भी बनाऊंगी। तो अभी मैंने इसके साथ शेयर कर रही हूँ, अलग से भी मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ग्राफ्टिंग वाला ये सक्सेस होना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे यहाँ 2-2 प्लांट ग्राफ्ट के सक्सेस हुए हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी करते रहें, प्रयास करते रहें, वो सक्सेस कभी ना कभी तो हो गई। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक ही में हो जाए, आप 3-4 बार करें, कई सारी ग्राफ्टिंग करें, कोई ना कोई तो सक्सेस होगी जैसे हमारी। तो ये देखिए एडिनियम कितना रेयर होता है ना। और दूसरी बात तो ये भी है कि एडिनियम पे इस टाइम पे पता है फ्लावरिंग भी नहीं होती है, बहुत कम फ्लावरिंग होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो एडिनियम और रेन लिली दोनों पर ही बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, भर भर के ये बर्ड्स आए हुए हैं। मैं उस फर्टिलाइज़र का नाम भी आपको ज़रूर बताऊंगी, 1 हफ्ते पहले जो मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो किसी अगली जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं पूछ लूँगी, और फिर मैं या देख के मैं जैसे भी है बताऊँगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ये देखिए ये, जबकि ये डबल पेटल वाला है, कितना सुंदर है ना।
इस प्लांट पे जब भी फ्लावरिंग हुई थी ना एडिनियम पे, मैंने इसके पहले ही भी डाले थे शॉर्ट्स वीडियो बना के, एक रेड खिलता था, कभी पिंक वाइट वाला खिलता था, एक साथ कभी नहीं खिले, तो इसलिए कभी पता ही नहीं चला कि ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई कि नहीं। तो अब आज इसमें फर्स्ट टाइम ना दोनों फूल एक साथ खिले हैं, तो बस दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का दिन कि मेरे यहाँ दो दो प्लांट जो ग्राफ्टिंग वाले हैं वो फ्लावरिंग दे रहे हैं, वो भी इतने अच्छे से। तो टुडे आई एम वेरी हैप्पी फ्रेंड, और मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ग्राफ्टिंग लगा करते रहें, सक्सेस ज़रूर होगी। ये देखिए दोनों प्लांट मैंने पास ही में रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज ना मुझे अपना गार्डन। बाकी भी देखिए कंटिन्यू, ये देखिए ये मेरा नागचंपा है ना, जिसपे कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है, भर भर के फूल आते हैं। ये इधर टिकोमा रखा हुआ है, इस पर भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा बालकनी वाला फर्स्ट टेरेस है, बैक टेरेस पीछे है जहाँ पर मैं अभी एक वीडियो बनाऊँगी डालूँगी। तो यहाँ जो जो फ्लावर पे फ्लावरिंग हुई है वो मैं दिखा रही हूँ। उधर ये देखिए दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज सा, ये उधर जो है ये मेरा बोगनविलिया है, इस पर भी जस्ट अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है करीब 8-10 दिन पहले। बहुत अच्छा लग रहा है, एक कनेर का फूल भी खिला हुआ है। तो बड़े बड़े प्लांट, ये गैलाडिया है येलो कलर का जो सामने दिख रहा है, ये एक कैरी बैग में लगा हुआ। तो बहुत बड़े बड़े जो प्लांट हैं वो मैंने इस वाले टेरेस पर रखे हैं। तो फ्रेंड बस मुझे यही शेयर करना था आपसे कि कटिंग लगाते रहें, ये सारे प्लांट जो हैं कटिंग से किए हैं, थोड़ी सी केयर तो करनी पड़ती है। और देखिए आज इनको देखिए आप, एक बड़े बड़े ट्री की तरह हो गए हैं, और ये जितने बड़े होते जा रहे हैं ना उतनी इन पे ज़्यादा फ्लावरिंग होती जा रही है। तो मैंने इनकी कोई कटिंग नहीं की है हमने जानबूझ के, क्योंकि जितने बड़े ये हो रहे हैं उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस मैंने ये सोचा कि एक इसका वीडियो बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये इधर आज थोड़ा सा काम अपना रोक के वीडियो बनाया। तो कैसा लगा मेरा ये स्पेशल हिबिस्कस एंड स्पेशल टुडे स्पेशल ब्लूमिंग का जो वीडियो है, मुझसे ज़रूर बताएं फ्रेंड। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।